हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो एमएस वर्ड की है। एमएस वर्ड में दिक्कत क्या आ रही है, देखिए यहाँ पर तीन पेजेस मैंने लिए हुए हैं। अब आपको ये चीज टाइप भी दिखाई दे जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो स्टेटस बार है आपका, वो स्टेटस बार पे भी आपको तीन पेजेस दिखाई पड़ रहे हैं और यहाँ मैंने मल्टीपल पेजेस लिया हुआ है तो यहाँ पे तीन पेजेस हमें दिखाई पड़ रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कि हमको बीच वाला पेज नहीं चाहिए तो हमें बीच वाला पेज डिलीट करना है, तो डिलीट कैसे करेंगे, इसको हटाएंगे कैसे। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आपको एक ट्रिक बताता हूँ, आप प्रेस कर लीजिए। अब देखिए कंट्रोल के साथ जी प्रेस करना है, जिसको भी डिलीट करना चाहते हो वहां पर चले जाइए। जैसे मान लीजिए इस बीच वाले पेज को हम डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर जाकर के आप कंट्रोल जी प्रेस कर दीजिए। जैसे ही कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो यहाँ पर पेज आपका सिलेक्शन में होना चाहिए, पेज ही होना चाहिए सिलेक्शन में। आप यहाँ पर ये बैक स्लैश प्रेस कीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए पेज। तो केवल आपको यही लिखना है और क्लिक रखना है उस जगह पर जहां पर आपको जो भी डिलीट करना है। तो अब यहां पर आपको क्या प्रेस करना है, यहां पर आप सिंपली क्या करिए कि ये गो टू पे क्लिक कर दीजिए। तो गो टू पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा सिलेक्शन में आ जाएगा और सिलेक्शन में आने के बाद अब इसको क्लोज कर दीजिए और अब डिलीट बटन जो दिया होता है उसको प्रेस कर दीजिए। देखिए ये पेज डिलीट हो गया। तो ये पेज डिलीट करना बहुत आसान है। अब देखिए अगर इसको भी डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर्सर को रखिए। अब आपको क्या करना है, कंट्रोल जी प्रेस करना है कुछ इस तरीके से और हैश पेज आई रहा है इस पे गो टू पे चले जाइए। ये पेज सेलेक्ट हो गया, ठीक है, देख सकते हैं यही वाला सेलेक्ट हुआ। अगर आपको ये वाला डिलीट करना है तो यहाँ पर क्लिक करके और गो टू करेंगे तो ये वाला भी सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल हमको यही डिलीट करना है तो गो टू पे जाएंगे और गो टू पे जैसे ही जाएंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा और फिर यहाँ से क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद डिलीट प्रेस कर दीजिए, ये भी डिलीट हो जाएगा। अभी ये तो कंटेंट डिलीट हुआ, ये सादा पेज तो डिलीट हुआ नहीं। तो आप कंट्रोल के साथ और बैक स्पेस बटन प्रेस कर दीजिए एक बार, बस आपका काम हो गया। ये बहुत ईजी है, आई होप की बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।